Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? So here we have a given data, which is the R max, that means horizontal distance, and its maximum value is 100 meter. With the help of this, we have to find how high, that means what will be the maximum height of the ball thrown by the cricketer. So, यहाँ पर हमें दो formulae use करने हैं from our projectile motion. The first one is from R, जो हमारी R का formula होता है, ठीक है? ये होता है u square sin 2 theta g, okay? एंड देन इसके साथ हम हाइट का भी फॉर्मूला देखेंगे. ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. अब यहां पर हमें एक बात और याद रखनी है, जब मैक्सिमम की बात होती है ना, तभी साइन 2 थीटा हमारा मैक्सिमम होता है, ओके? तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. सो फ्रॉम हेयर द साइन 2 थीटा इज 1, ओके? दैट मींस यहां पर हम अगर थीटा निकालते हैं तो हमें इस टाइप से कुछ मिलेगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू, ये हमें मिलता है 1 साइन 90 पर, ओके? दैट मींस साइन पाई बाय 2, साइन 90 पर इसकी वैल्यू 1 होती. तो आफ्टर कंपेयरिंग वी विल गेट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, दैट मींस 45 डिग्री. अब ये जो हमें थीटा की वैल्यू मिली, इसको हम यहां पर यूज करेंगे और हम अपनी हाइट निकालेंगे, बट उसके पहले हमें अभी यू भी निकालना है, ओके? तो हम यहाँ पर आर मैक्स यूज करते हैं और ये हमारा हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर बाय जी, बिकॉज ये तो मैक्सिमम हो ही है, मैं ये है ही, ओके? ये तो वन है ही यहाँ पर, तो इसकी हेल्प से अभी हम निकालते हैं यू की वैल्यू. तो आर मैक्स इज गिवन 100, यू स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है एंड जी को ले लेते हैं हम यहाँ पर 10, ओके? सो आफ्टर दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर अभी पुट करनी है. सो यू स्क्वायर विल बी 100 इंटू 10, दैट मीन्स 1000. अब ये 1000 यहाँ पर हम यू स्क्वायर की जगह डायरेक्टली लिखेंगे और थीटा हमने निकाल लिया है, वो है 45 डिग्री. सो नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप में हम यहाँ पर अब निकालेंगे स्क्वायर हाइट, ओके? सो हाइट विल बी जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था वही यहाँ पर यूज होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. सो h विल बी यू स्क्वायर हमने अभी निकाला 1000 साइन थीटा, मतलब साइन 45 डिग्री. तो साइन 45 डिग्री होता है कितना, 1/√2. सो 1/√2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, ये g की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर 10. So after solving this, we will get h equal to 50 meter. So it is our final answer. I hope you understand the explanation. Thank you.